पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल होने उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा। कमलनाथ ने बीजेपी की प्रदेश भर में चलाई जा रही विकास यात्रा को निकास यात्रा बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सरकार में चारों ओर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार हावी है। पूरे प्रदेश को सट्टा और जुए का गढ़ बना दिया गया है। सरकारी एजेंसियां मोटे कमीशन लेकर बड़े बड़े टेंडर दे रही है और सभी निर्माण कार्य अधूरे हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के डिफॉल्टर होने के सवाल पर भी अपना बयान दिया। तो आइए सुनवाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। में कौन सा सट्टा जोरों में नहीं है, कौन सी शराब घर घर में शराब दी, बेरोजगारी दी, ये इनकी उपलब्धि है। आप सट्टे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम रोक लगाएंगे, हम कानून बनाएंगे, हम अपने वचन पत्र। हाँ, संविदा कर्मचारी माफी को आपके सरकार के पहले सरकार की मुख्य घोषणा थी, उसमें आप सफल। संविदा कर्मचारियों, हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये मैं नहीं कह रहा, ये विधानसभा में आंकड़े पेश किए गए। 27 लाख पहली किस्त में, उसके बाद समय नहीं था, 11 महीने थे। दूसरी किस्त शुरू हुई थी, इन्होंने रोक दी।